कैप्सूल्स, आपने, मैंने और हम सभी ने कभी ना कभी इनका यूज़ किया ही है। कैप्सूल का काम होता है ड्रग सब्सटेंस को बॉडी में पहुंचाना, लेकिन जब यही काम टैबलेट, सिरप या पाउडर कर सकते हैं तो आखिर कैप्सूल की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? तो इसका जवाब है, ऐसे कई ड्रग सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप कॉम्पैक्ट या कंप्रेस नहीं कर सकते और उन्हें किसी तरह के शेल यानी खोल के अंदर भरकर ही बॉडी में पहुंचाया जा सकता है और इन्हीं शेल्स को कैप्सूल कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अलग अलग मान्यताओं और रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। इनके रिलीजन बिलीव्स ही इनके खाने पीने से संबंधित धारणाओं को शेप देते हैं। एक रिलीजन कुछ एक चीज़ खाने को मना करता है तो दूसरा रिलीजन किसी दूसरी चीज़ खाने से रोकता है। कुछ लोग एथिकली यानी नैतिक रूप से भी उन चीज़ों को नहीं खाते जिनके खाने से किसी को तकलीफ पहुँच सकती है। लेकिन चाहे आप इसे बदकिस्मती कहें या मजबूरी, जब हेल्थ पर बात आती है तो सभी को अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स को साइडलाइन करना पड़ता है और कैप्सूल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। दरअसल कैप्सूल्स दो तरह के होते हैं, पहला जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा प्लांट बेस्ड कैप्सूल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 99% कैप्सूल के शेल जिलेटिन के बने होते हैं और जिलेटिन एक ट्रांसल्यूसेंट, कलरलेस और टेस्टलेस सब्सटेंस होता है जो कि कोलेजन के हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है। अब कोलेजन वर्ड सुनकर आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि यह वही सब्सटेंस है जो त्वचा को रिंकल से बचाता है। दरअसल जब इंसान बच्चा या जवान रहता है तब उसकी स्किन स्मूथ रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्किन लूज और झुर्रियों से भर जाती है। दरअसल ये कोलेजन ही है जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाए रखता है और यही कोलेजन कैप्सूल के शेल्स का मेन कंपोनेंट भी बनाता है। आप लोगों ने स्लॉटर हाउसेस के बारे में, पोल्ट्री और गोट फार्म के बारे में या ऐसी जगहों के बारे में ज़रूर सुना या देखा होगा जहाँ से जानवरों की डेड बॉडीज बाहर निकलती हैं और जानवर जैसे कि पिग्स, गॉट्स, हॉर्स और पोल्ट्री यानी मुर्गियों की हड्डियाँ और उनके शरीर के अवशेष ही कोलेजन के सबसे बड़े और सबसे सस्ते सोर्स होते हैं। फार्मेसी के अलावा इनसे मिलने वाले कोलेजन का यूज़ फूड, फोटोग्राफी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक किया जाता है। यानी कि हम सभी जीव जंतुओं के अवशेषों को ना केवल खा रहे हैं बल्कि अपनी बॉडी पर भी लगा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स, खासकर चेहरे को गोरा बनाने वाली क्रीम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे लार्ड कहा जाता है, जो एक तरह की चर्बी होती है जिसका सबसे बड़ा सोर्स पिगस्ट्री यानी सुअरों का फार्म हाउस होता है। और यदि आपने कभी कैप्सूल खाया है तो इसकी 99% पॉसिबिलिटी है कि आपने और मैंने जानवरों के अवशेष से बना हुआ कैप्सूल ही खाया है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज में 99% कैप्सूल जिलेटिन के ही बने होते हैं। जिलेटिन के अलावा वेजिटेबल बेस्ड कैप्सूल भी होते हैं जो कि हरे पेड़ पौधे में पाए जाने वाले एक सब्सटेंस सेलुलोज से बने होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत या दुनिया में ऐसा कोई नियम है कि दवाइयों को सेलुलोज से बनने वाले कैप्सूल में ही दिया जाए? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ है और जब बात जान बचाने की आती है तब ज़्यादातर लोग अपने रिलीजियस बिलीव्स को पीछे छोड़ देते हैं। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी भी तरह से इन एनिमल बेस्ड कैप्सूल को स्किप नहीं कर सकते? तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि आप कैप्सूल के बैक पर ग्रीन और ब्राउन डॉट को देख सकते हैं। ग्रीन डॉट इंडिकेट करता है कि कैप्सूल पूरी तरह वेजिटेरियन है और ब्राउन डॉट इसमें एनिमल रेसिड्यू यानी जानवर के अवशेषों को इंडिकेट करता है। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप ड्रग को लिक्विड फॉर्म में लें। हालांकि प्रैक्टिकली ये बहुत ही कठिन है क्योंकि सभी दवाइयों को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। उम्मीद है इससे आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी और यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।